आप बच्चों को भी बताता चलूं कि हमारे बीच में हमारे ऑर्गेनाइजर ही है, उनको मैं मेहमान नहीं कहता क्योंकि उनका इलाका है और उन्हीं के मेरे बदरू के चमकते हुए सितारे, साउथ कश्मीर के सितारे, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हाजरीन जमात, वॉलीबॉल एसोसिएशन, सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मैं बड़ी मशहूर हूँ। आप सपोर्ट करते हैं, मदद देते हैं, तभी मेरे जैसे सरकारी बंदे इंटीरियर ऑफ कुलगाम में आके बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आज के दौर की सबसे अलार्मिंग सिचुएशन इज ड्रग्स। ये एक ऐसा व्हाइट एलिफेंट है जो हमारे रूम में हमारे सामने खड़ा है, हम आंखें मूंदे इसको एक्नॉलेज नहीं करते। मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, ड्रग्स जेएनके में पिछले 5 साल में स्टैटिस्टिकल डाटा पढ़ रही थी, हीरोइन कंजप्शन इन जेएनके अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हैज इंक्रीज 2000%। आपने तय करना है आपने जाना कहाँ है। ये हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को तय करना है कि उन्होंने किस राह पे चलना है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता कम से कम अपना तो बन। आपको अपने लिए सही इस बीच में ये याद रखिए, हार हार के जीत होती है, हार जीत की पहली सीढ़ी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, जेके रॉलिंग्स, हैरी पॉटर सबने देखा है, हैरी पॉटर की नॉवेल पढ़ी है, सीरीज देखी, उसकी किताब 12 बार रिजेक्ट हो गई, 12 बार रिजेक्ट होने के बाद वो 13वीं बार छपी। कल आपने फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा, फाइनल देखा, मेसी हर वक्त के कामयाब और सितारा नहीं था, मेसी कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितने इसके गोल मिस हुए, कितने टूर्नामेंट्स में वो रिजेक्ट हुआ, क्या किसी ने वो गिना है। लेकिन जो वो हार हार के आज मेसी फुटबॉल का खुदा है, ठीक है। अगर आप पीछे भी होते जाओ यार, अरे दूर हो जाओ यार थोड़ा, पीछे से ये लोग बहुत सलाम दूर रोज पीछे भी होते जाओ यार, अरे दूर हो जाओ यार थोड़ा, पीछे से ये लोग बहुत सलाम दूर रोज पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा आपको भाई, आप थोड़े पीछे बात मुल्क इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें, उसमें आपने, मैंने, सिविल सोसाइटी ने, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, सभी ने एक रोल अदा करना है। देखिए मैंने अभी भी अपनी तकरीर में कहा कि सबसे ज्यादा जो भी वबा हमें है, जो हमारे बच्चों को अंदर से खाया जा रहा है, वो ड्रग्स जैसी वबा है। यकीन मानिए स्पोर्ट्स में इतना पावर है, जो बच्चा एक बार स्पोर्ट्स से जुड़ जाता है वो ड्रग्स में कभी नहीं जाता, और बच्चों को एंगेज करके रखना है। इस वक्त हमारा विंटर कार्निवल, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है, परसों वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसका इनका किया टीआरसी में, उसके बाद हमारे इंडोर गेम्स चल रही हैं, आउटडोर गेम्स चल रही हैं। इस वक्त मौसम सरमा है, बच्चे अंदर बैठे रहते हैं, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, फ़ोन पे बैठे रहते हैं, टैब पे बैठे रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे स्टडी, उनको बाहर लाने की ज़रूरत है, उनको
चैंपियनशिप्स में, इवेंट्स में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ बदरू में हमने जो साउथ कश्मीर चैंपियनशिप का इनेकाद किया, इस वक्त अगर हम यहाँ खड़े तो सांबा, कुठवा, रजौरी, पुंछ हर जगह इवेंट्स चल रहे हैं। ये इस वक्त सरकार का पुर तलकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, और आप भी इस मैसेज को फैलाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पॉलिसीज है, सामान है, कोचेज है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़िंदगी के मैथमेटिक्स में हर चीज़ ज़ीरो और माइनस से स्टार्ट होती है। आप नज़र दौड़ाइए 2-3 साल पहले की बात, क्या हर ज़िले में इंडोर था? नहीं था। क्या 57 स्टेडियम जो इस वक्त लाइट के हक में है वो थे? नहीं थे। क्या आपके आसपास कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस लेवल पे थी? हमने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर अलोन वी हैव कम्प्लीटेड 597 प्रोजेक्ट्स, वो भी इसी जैसे किसी न किसी J&K के गाँव में हुए। हाँ, बात इनकम्प्लीट स्टेडियम्स की है, अगर आपके पास लिस्ट है विद इन कुलगाम कौन कौन सा इनकम्प्लीट स्टेडियम है जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने उठाया था, कम्प्लीट नहीं कर पाए, प्लीज ब्रिंग इट टू माई नोटिस, हम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो आपको कम्प्लीट करके देंगे। और फर्दर हमने कुलगाम के लिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडोर स्टेडियम उसके सहन में भी हमने लाइट स्टेडियम दिए हैं। यहाँ के DDC मेंबर इनायत साहब की रिक्वेस्ट थी, ऑनरेबल LG साहब से मिले, उन्होंने सेंक्शन किया है 1.5 करोड़ का स्टेडियम विद फेंसिंग, लेवलिंग एंड नाइट फैसिलिटी, और हम उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ के यहाँ पे एक हाई लेवल की वॉलीबॉल एकेडमी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बदरू में, कुलगाम में वॉलीबॉल का बहुत टैलेंट है, हमें इसको हॉन करने की ज़रूरत है, हमें इसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स का फ़ायदा उठाएंगे, बिजी रहेंगे, अच्छे काम में लगे रहेंगे और ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम, अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। थैंक यू।